खैरियत है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है सर। क्या मांगा आज? हमने दीन की भलाई और दुनिया की भलाई मांगी है। अल्लाह से मांगी है, इनसे मांगी है? अल्लाह से मांगी है। तो जिस तरह इनके सुफैल, ये इनके मुकर्रब हैं, अल्लाह के मुकर्रब हैं, अल्लाह के करीब हैं, इसलिए सर मुझे तो अल्लाह मेरा कहता है कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरा अल्लाह तो यहाँ पे, आपका नहीं है क्या? नहीं, वो है, लेकिन ये अल्लाह को इन्होंने अपनी मेहनत से राजी किया है। तो वो मेहनत आप और मैं क्यों नहीं कर सकते? मैं नहीं करते, लापरवाही गफलत है ना। आपके पास है ना यहाँ पे? नहीं, आप अंदर गए तो सलाम किया आपने माता टेक? हाँ जी, देखा। जब वालदैन की कब्र पे जाते हैं माता टेकते हैं? वहाँ भी जाते हैं, टेकते हैं। जब किसी अजीज रिश्तेदार की कब्र पे जाते हैं माता टेकते हैं? नहीं, वालदैन की कब्र पे जाते हैं माता टेकते हैं। नमाज पढ़ते हैं सर? नमाज तो मुस्तकिल तो नहीं पढ़ते। मेरे बुजुर्ग हैं आप, बड़े दुख के साथ ये चीज रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं आज, लेकिन अगर कोई भी नहीं करेगा तो ये चीजें बढ़ती जाएंगी और मुझे ये बढ़ने नहीं देती। मेरा इस्लाम बड़ा क्लियर है, मेरे इस्लाम ने मुझे बड़ा वाजे पैगाम दिया और वो पैगाम एक है, एक अल्लाह है, आखिरी रसूल सुपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप तो सर एतकाद की है, यकीन की है? बिल्कुल एतकाद, बिल्कुल एतकाद। एतकाद अल्लाह पे क्यों नहीं रखते? क्योंकि अल्लाह बार बार कहता है सजदा सिर्फ मेरे लिए, रब अपनी जात के लिए सजदा मांगता है सर। अगर रब सजदे की इजाजत देता आपको और मुझे, पता किसको देता? हमारे आखिरी नबी को, कहता कि मेरे नबी को भी सजदा करो। अल्लाह ने कभी नहीं कहा सर, नबी ने तो यहाँ तक कहा है कि भाई अल्लाह के अलावा सजदा मुमकिन ही नहीं है, गैर मुमकिन है। हम बुजुर्गों की कब्रों पे आके सजदे करते, मेरी बात सोचिएगा जरूर सर। 10 पर 10 का कह रहा, मेरे बुजुर्ग हैं, 10 पर 10 का कह रहा, इस पर सोचना। अगर आप कुरान पढ़े हुए हैं, मुझे यकीन है कि आप पढ़े होंगे, उनको तर्जमे के साथ पढ़ना है। मुझे यकीन है कि आप अल्लाह की तरफ आप राग़िब जरूर होंगे, मुसलमान हैं हम सब, है ना, अल्लाह की तरफ राग़िब। सर अल्लाह ने कहीं नहीं इजाज़त दी, नबी ने कहीं पर हुक्म नहीं दिया। हमारा दीन तो मुकम्मल हो जाता है जब अल्लाह और नबी की मानते हैं, मतलब यही पर दिया नहीं करें सर। ये बच्चे आपको देखेंगे सर, ये आपके औलाद, आपके पोते पोतियाँ, धोते धोतियाँ आपको फॉलो करेंगे सर, इस्लाम से दूर ना लेके। मेरा इस्लाम मुझे नहीं कहता, इजाज़त नहीं देता सर। वादा सर, अगली दफ़ा आए आप और फिर आपकी मेरी मुलाकात यहाँ होगी, हम इनकी मकबरत के लिए दुआ करेंगे, मिलके करेंगे। ठीक है, अल्लाह।